अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज कोई व्लॉग नहीं है और ना ही कोई चैलेंज वीडियो है, ना कोई गेम वीडियो है। आज है बहुत सैड वाली स्टोरी। वो सैड स्टोरी क्या है, मैंने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे परसों डाला था, एक संडे वाले दिन एक अपडेट्स डाली थी जो मेरे साथ सीन क्रिएट हुआ था। मैंने यही कहा था कि मैं यूट्यूब में फुल डिटेल्स वीडियो बना के डाल दूंगा कि क्या सीन हुआ है। मैंने कहा यार आप लोगों को बता देता हूँ, और ज़्यादातर जो थे वो यही समझ रहे थे कि कोई झूठ स्टोरी है, कोई कंटेंट वगैरह निकाल है। यार ऐसा कोई नहीं है, अगर कॉन्टेंट निकालना होता, डेढ़ साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ मैं, तो बहुत सारे झूठे कॉन्टेंट्स निकाल सकता था, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है, ये रियल हुआ है। तो मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स वगैरह बताता हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इसी सैड स्टोरी में सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस वगैरह हुआ है। स्टोरी ये है कि संडे वाले दिन में 3 बजे के टाइम हम लोग टोटल 6 दोस्त, जिसमें 2 इधर बैठे हुए, एक मैं, एक आया नहीं, और दोनों हम मात जो मेरे साथ यूट्यूब पे काम करते हैं, हम लोग निकलते हैं भाई डीएचए की तरफ घूमने के लिए। मैं अभी जो आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा वो मैंने नहीं बनाया था, वो अम्माद अपनी व्लॉगिंग वगैरह कर रहा था, तो अम्माद ने वो बनाया था वीडियो, उसने अपने चैनल पर अपलोड भी कर दिया, तो मैंने उससे ये क्लिप्स ली। ये हम लोग जा रहे थे CVO की तरफ। फिर हम लोग ये पहुँचते हैं DHA पे। आप देख सकते हैं कि हम लोग मेन रोड पे रुके हुए हैं, वहाँ पे ये लोग पिक्चर्स ले रहे थे, मैं भी पिक्चर्स ले रहा था, और आप देखेंगे इसमें मैं अपने मोबाइल से व्लॉग बना रहा हूँ। अम्माद भाई व्लॉग बना रहे यार, अम्माद भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल नेम क्या है? मेरे को जो बोलता ही नहीं होते एक पाकिस्तानी अम्माद, जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, इसका भी कई परसों व्लॉग आएगा आज वाले ही, जाके सब्सक्राइब कर देना। मैं इतनी जल्दी व्लॉग डालते ही नहीं हूँ। क्यों? एडिट नहीं होता ना ये चीज़ें। टाइम नहीं मिलता। और हम आज भी अपने मोबाइल से व्लॉग बना रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं दोदरिया की तरफ, फिर वहाँ से हम लोग आते हैं CVO, जो CVO की क्लिप है वो भी आप लोगों के सामने आ रही होगी। ये अभी ये जो है ना शहरी लोग पता नहीं कहाँ चले हैं, अल्लाह की कसम। हाँ भाई कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे इस गाड़ी का तुम्हें पीछे वाले टायर का हवा निकाल दिया। हाँ वो तुम बेटा खड़े हुए थे पीछे देख लिया था। वहाँ से फारिग होने के बाद रात को हम लोग 7:30 बजे के टाइम CVO से निकलते घर की तरफ। हम लोग घर की तरफ सब साथ आ रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से रास्ते में बिल्कुल सही आ रहे होते हम लोग, तो अचानक से ना बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। जैसे ही बाइक में पेट्रोल ख़त्म होता है तो नाजमाबाद वाले पेट्रोल पंप पे हम लोग अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, तो मैं सबसे आगे होता हूँ और 2 बाइक छोड़ के ये बाइक पे बैठा होता है, इसके साथ एक लड़का था अब्दुल्ला, और शेरी मेरे साथ होता है। तो मैं अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूँ। पेट्रोल डलवाने के बाद ना मैं पेट्रोल पंप से, गलती मेरी ये होती है कि मैं पेट्रोल पंप से उतर जाता हूँ, और 2 बाइक के बाद इनकी बाइक खड़ी हुई होती है। मैं स्टैंड पे अपनी बाइक लगा के ना ऐसे टेढ़े पे बैठा होता हूँ, और ये ना बैठ के ना इसकी कॉल आ जाती है, तो ये कॉल में बात करते हुए इनके तरफ चले जाता है। फिर उसी में 2 125 आती है, ठीक है। 2 125 से ना पीछे से 2 लड़के, दोनों के हाथ में पिस्तौल होता है, वो लोग छलांग मारते। छलांग मारने के बाद वो लोग ना फ़ौरन से चैम्बर मारते। जैसे ही चैम्बर मारते ना, तो ये इसने देख लिया था मुझे कि इसको चैम्बर मारा है। मैं ना जैसे ही अपनी बाइक खड़ा करता हूँ ना, तो पीछे वाला मुझे चमाट मारता है तेज़ से। वो एक मुझे चमाट मारता है और एक आता है, वो फ़ौरन ना मेरे इस जगह पे वो गन रखता है, और दूसरा वाला घूम कर आता है, वो मेरे कमर पे गन लगाता है। तो मेरे जो अपना जो मोबाइल था आईफोन, वो मैंने रखा हुआ था अपने कमर के पास, और छोटा कीपैड जो मोबाइल था वो था मेरे जेब में, और वॉलेट भी पड़ा हुआ था। तो वो मुझे डायरेक्ट बोलते ना मोबाइल निकाल के दो।
अब ये जो है ना कि कराची में आजकल जो सीन हो रहा है, पता नहीं यार क्या हो गया हमारे कराची को, इतना रोशनी वाला शहर आज बर्बाद हो गया है, हर कोई इसको लूटने में लगा है। तो उसमें ना उसने मुझसे मोबाइल मांगा तो मैंने उसको दिया छोटा मोबाइल। ये अब सारे ये बोलते हैं ना कि यार अभी जिस तरीके से कराची का हालत चले तो रास्ते में कोई मोबाइल नहीं निकाले। हम लोग पूरे सीवीओ से नाजमाबाद तक आए, किसी ने भी मोबाइल नहीं निकाला, सबके मोबाइल यहीं रखा हुआ था। ठीक है, अब वो मुझसे मांगता है मोबाइल तो मैंने उसको दिया पहले कीपैड मोबाइल। अब मैंने उसको जैसे ही कीपैड दिया ना, जो दूसरे ने मेरे कमर पे गन रखा था उसने हाथ मारा तो उसको मोबाइल दिख गया। उसने बोला ये निकाल, मैंने उसको निकाल के दिया। फिर उसके बाद ना शेरी मुझे देख लेता है कि इसके साथ हो रहा है क्या। उधर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, पहले तो चलो ये होता था अगर कुछ हो रहा है तो रश में कोई भी करने नहीं मांगता था। अब तो कराची का ये हालत हो चुका है कि हर कोई ना रश देख रहा है, ना दिन देखना है, ना कुछ फैमिली हो कुछ भी हो, बस लूटने वाले लूट रहे कराची को, जैसे तैसे बस लूटना है, सारे लूटने में लगे हुए, ना दिन देखते ना रात देखते। मुझसे जहाँ चिंताई किया ना, थोड़े ही फासले में अच्छे खासे लोग खड़े हुए थे। अब आपको पता है पिस्टल के आगे कोई बोलता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त भी खड़े हुए थे। साफ सीधी बात यार, अगर मैं भी होता, अगर मेरे दूसरे दोस्त से चिंताई हो रहा था, मैं नहीं जाता, क्योंकि एक नहीं दो दो पिस्टल था और फिर दो बाइक पे भी बैठे थे। इनका पता नहीं होता, क्योंकि यार इनका तो ये होता है कि लेना है मिल गया सही है, नहीं मिला तो बंदे को मारना है। आजकल कराची में यही चल रहा है। बाकी शेरी भाई आपको थोड़ा बताएंगे कि उसके बाद क्या हुआ सीन, क्योंकि मैं तो आगे पीछे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। उसके बाद शेरी भाई आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या देखा। मैं शेबी को पंप से देखता हूँ, पूरा सीन मैंने अपनी आंखों से देखा शेबी के साथ क्या हो रहा था। जब वो चारों चले गए तो फिर मैं शेबी के पास दौड़ता हुआ गया तो मैं देखा शेबी बिल्कुल मतलब नॉर्मली था, इतना ये घबराया हुआ भी नहीं था। तो फिर उतने में ये रहमान लोग भी सारे पेट्रोल डला के आते पीछे से दौड़ते हुए। तो यार मैं शेबी को देख रहा हूँ, ये ना नॉर्मल बैठा हुआ है बिल्कुल, जैसे हम लोग इसको छोड़ के गए थे ये वैसे ही है। तो उतने में ये रहमान जो ये बहुत तेज तेज से हंस रहा है, ये कह रहा है कि यार शेबी तुझे लूट के ले गया ये वो। और तो फिर उतने में शेबी भी हंसने लगा, तो शेबी पर हंसते हंसते उसने शेबी ने यही एक ही बात कहा कि यार देखो हम चारों के पास मोबाइल था तो बस मेरी नसीब में था यार ऐसा होना, ले गया अल्लाह पाक में इसमें अल्लाह पाक की इसमें भी कोई रजामंदी होगी, तो यार बस जो होना था वो तो हो गया, बट बहुत गलत हुआ शेबी के साथ, मुझे अभी तक अफसोस है। उसके बाद हम लोग सीधा घर आए, घर पर आने के बाद मैंने अपनी फैमिली को बताया कि ये सीन क्रिएट हो गया। अब आपको पता है ना कि यूट्यूब चैनल का काम है मोबाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए रोज़। उसी टाइम में अपनी सिस्टर के मोबाइल में फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक आईडी मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने एक स्टोरी वगैरह सारी चीज़ें मैंने अपडेट्स फेसबुक में और इंस्टाग्राम में और टिकटॉक में दे दिया था, लेकिन मैं यूट्यूब में नहीं डाल सका। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपना आईक्लाउड आईडी वगैरह बंद करके मोबाइल रिसेट करना था। मैं फिर लैपटॉप निकाला, अपनी सारी चीज़ें रिसेट वगैरह किया, लेकिन मैं कल आप लोगों को एक बहुत का मतलब बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। अब पता है क्या, ये जो होने वाली बात थी ना वो हो गई। अब आप खुद सोचे पूरा डीएचए किस तरह सुनसान होता है, डीएचए में तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता। हम लोग उधर घूमे, पिक्चर्स लिए हम लोगों ने, दो दरिया गए, सीवीओ का हर जगह हम लोग घूमे, व्लॉग बनाए, उधर कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ। वापसी आते हुए मोबाइल यहाँ रखा हुआ था और हो गया, जो नसीब में होने वाला होता वो हो गया। लेकिन आजकल जो हमारे कराची में चल रहा है ना यार, उस चीज़ का बड़ा अफसोस है। हमारी गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को ये ज़रा देखना चाहिए कि हमारे कराची में हो रहा है क्या, हमारे सिंध में क्या हो रहा है। इसमें थोड़ा इनको फोकस करना चाहिए, थोड़ी बहुत सख्ती वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि अभी कराची में ये सब आम हो गया। आए दिन न्यूज़ में, कभी कहाँ, कभी टिकटॉक में, कभी कहाँ फेसबुक में, ये सब जगह ना रोज़ वीडियो देख रहा होता हूँ, कभी यहाँ छिनताई हो रहा है, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ। तो इस चीज़ पर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। होने वाली जो बात होती है वो तो होकर ही रहती है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को कल जो व्लॉग बनेगा ना, व्लॉग नहीं वो भी एक स्टोरी बनाऊंगा, वो स्टोरी इतना अमेजिंग होने वाला है ना यार, आप लोग बहुत मज़ेदार कल का स्टोरी होने वाला, एक आप लोग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है समझ, और हमारे लिए तो है सरप्राइज़ वो, और उससे ना आप लोग बहुत कुछ, मैं अभी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे वो चीज़ सरप्राइज़ मिला है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसी टाइम कैमरे के सामने बयान करूँ, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को महसूस कर सकें कि यार हाँ यार ये चीज़ होता है। तो नेक्स्ट जो स्टोरी आएगी यार, वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, लाजमी उसको वॉच करना,
पूरा वॉच करना, भले ये थोड़ा सा वॉच करो, इस पसंद नहीं आई मेरी सैड स्टोरी थी, मुझे अपडेट्स देना था मैंने दे दिया, नहीं देखो, लेकिन वो जो स्टोरी आई वो लाजमी देखना आप लोग, बहुत का मतलब बहुत कुछ आप लोग सीखोगे और उस चीज़ पे फोकस करोगे, क्योंकि वो मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा, मैं मेरी पूरी लाइफ में अगर मैं बोलूँ मेरी पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो सरप्राइज था वो कल था, मुझे मिल चुका है, मैं आप लोगों को कल बताऊंगा और किस तरह मिला वो भी मैं आप लोगों को सारी स्टोरी कल बताऊंगा। अब हमें दें आप लोग इजाज़त, दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह हाफिज़।